उपचुनाव वाले जिलों से मुस्लिम बीएलओ हटाने की समाजवादी पार्टी की शिकायत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी ऐसा कह रही है। चश्मे आंख की जांच करा ले, उनसे कहला दीजिए अगर आप खबर पहुंचा सके, आंख की जांच करा। जो सरकारी कर्मचारी होता है ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, केवल सरकारी कर्मचारी होता है। और जिले में जो निर्वाचन के अधिकारीगण हैं उनको किसे रखना किसे नहीं रखना, वो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी से सपा की साइकिल में हवा नहीं भरने वाली, साइकिल हवा में उड़ने वाली। खबर इटावा से है। रेलवे स्टेशन परिसर में दिन दहाड़े जीजा ने साले की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद में जीआरपी थाने में जाकर आरोपी ने सरेंडर कर दिया। दोनों एक घंटे पहले एक चाय की दुकान में आए थे और चाय पीते पीते दोनों में विवाद हो गया और हत्या कर दी। सूचना मिलने पर एएसपी सीओसीटी एसटीएम सदर मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि शराब के रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। चित्रकूट में पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पांच चोरियों का खुलासा किया। चोरों के पास से 12 लाख रुपए के कीमती जेवरात और साथ ही 7,000 रुपए कैश भी मिले हैं और साथ ही दो कार तमंचा भी मिला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर दोनों चोरों को राम शैया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए चोर मनीष पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं।